हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 20 क्लासेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर 2019। इसको पढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले ये देखना है कि डायरेक्शन में क्या दिया रहता है। डायरेक्शन मतलब कि आप जब इसको पढ़ोगे, डायरेक्शन क्या है कि इन क्वेश्चन नोट्स में 1 to 4 सिमिलर एक जैसे होंगे, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक जैसे होंगे, तो चारों को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको पढ़ना है और ये है पार्ट वन। बस ये शो कर रहा है कि आपको कब कहाँ क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। आप इसमें देखोगे कि क्या कह रहा है कि ऑफ दीज फोर फिगर, These figure are similar in some way and one figure is different. इसका मतलब क्या है, आपको पता चल गया ना कि इसमें क्या फाइंड करना है, odd man out, ठीक है। odd man out मतलब क्या है, आपने पढ़ ही चुका है आपने, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चार फिगर होते हैं, तीन एक जैसे होंगे और एक सिमिलर होगा, ओके। चलो पढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर वन देखो, इसमें क्या है, इसके अंदर जो है ये एक ट्रैंगल बना है, ट्रैंगल में कितने साइड्स होती है, 3, और बाहर आप देखोगे तो 3 लाइंस का ये बना हुआ है, ठीक है। वह इसमें देखोगे इसमें क्या है, एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, एक स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, 4, तो इसको भी 4 सर्कल होना चाहिए, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, स्क्वायर 4 सर्कल, ठीक है। तो ये सेम टू सेम ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, और ये वाला देखोगे इसमें भी 5 फिगर है, इस वजह से B1 इज द करेक्ट आंसर। ये अलग है, डिफरेंट है, बाकी A, B, A, C और D एक जैसे हैं। चलो अब सेकंड की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ आर यू एन आर, कुल मिला के RUN सभी में है, सिर्फ सी में छोड़ के बाकी सभी में है, ठीक है। अब चलते हैं 3 के पास, 3 में आ जाओ भाई। 3 में देखोगे सब में क्या है कि 2 सर्कल हैं जो क्रॉस कर रहे हैं, एक टच हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे डी में आ जाओ, डी में देखोगे 3 के 3 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसमें आ जाओ आप, इसको अगर आप मूवमेंट करोगे तो ये फिगर, ठीक है, ये फिगर और ये फिगर और ये फिगर, इसको आप डायरेक्शन वाइज चेंज कर लो, ठीक है। इसको आप ऊपर हमेशा इस डायरेक्शन में बना लो, ठीक है। आप एक बार ड्रॉ कर लो, जैसे भी ड्राइंग है, ठीक है, जो भी ड्राइंग है इसको ड्रॉ कर लो। सिर्फ आपको 4th का B1 अपोजिट दिखेगा, बाकी सब के सब एक जैसे दिखेंगे। चलते हैं पार्ट सेकंड में आ जाओ। पार्ट सेकंड में क्या है कि इन व्हिच क्वेश्चन 5 to 8, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 to 8 एक जैसे होंगे। अब क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन फिगर है और सेम टू सेम आपको क्या करना है कि सेम फिगर आपको फाइंड करना है, एग्जैक्टली सेम एज द फिगर। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको सेम फिगर फाइंड आउट करने हैं, सेम फिगर, ठीक है। तो सेम फिगर पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसको देखो सेम टू सेम ये किससे मैच कर रहा है, वीडियो को अगर ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और ध्यान से देखो क्वेश्चन को, और पहले खुद सॉल्व करने ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, ओके। नाउ चलते हैं। आप देखोगे ये इसमें ये नहीं है, ठीक है, इसलिए बी वाला नहीं होगा, ठीक है। ए है, देखो ए में क्या है, इधर ये सर्कल नहीं है इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। आप देखोगे सेम टू सेम सिर्फ डी ही है जो सेम मैच कर रहा है, ये इधर मैच नहीं कर रहा, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर वही होगा। इसमें देखोगे दिख ही रहा है सेम टू सेम। इसमें आप आ जाओ, इसमें देखोगे आप पूरा फिगर देखोगे, सिर्फ इधर मैच कर लो और ये डायरेक्शन पूरा मैच कर लो, बी का ही मैच हो रहा है, बाकी किसी का मैच नहीं हो रहा है, इसलिए बी वन इज द करेक्ट आंसर। 8 का आ जाओ, 8 में क्या है, आप देखोगे इधर ये अलग हुआ है, ठीक है, इसमें भी ये अलग है और इसमें ये अलग है, सिर्फ D1 इज द करेक्ट आंसर, सेम फिगर आपको पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में, पार्ट 3 में आ जाओ डियर। पार्ट 3 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 to 12, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 to 12 एक ही जैसे रहेंगे। इसमें क्या है, फिगर क्वेश्चन को ही देख के पता चलता है, इसमें मिसिंग फिगर आपको फाइंड करना है। मिसिंग फिगर आप देख लो भाई, मिसिंग फिगर आप देखोगे ये कैसे है, बीच में एक लाइन ड्रॉ है और इस डायरेक्शन में जो भी है वही आपका राइट आंसर होगा। कौन सा है आप खुद देख लो, फर्स्ट वन एंड 10th का देखो। 10th में क्या है, ऐसे करोगे एक ड्राइंग बनाओ खुद, ये मिसिंग फिगर बहुत इजी है, ये आएगा। और मैक्सिमम ये आप मान के चलो कि क्वेश्चन नंबर ये 9 है ना, ये 9 बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब इसमें एक दो फिगर और एड ऑन हो जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। ये सेम टू सेम फिगर फाइंड करोगे किससे, कौन सा आंसर है ये, D1, ओके। नाउ इसको आप करोगे, ये सेम टू सेम किससे मैच करेगा, सेम टू सेम C से मैच कर रहा है, ओके। एंड 12 वाला आप देखोगे तो इसको आप एक सर्कल
इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये किससे मैच कर रहा है, सर्कल सी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, लेकिन ये नीचे इस डायरेक्शन में ये एक और ड्रॉ है, इसलिए सी वाला नहीं होगा, डी वन इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ अब क्वेश्चन नंबर 13-16 देखते हैं कि कौन सा फिगर है, ये पैटर्न कंप्लीशन है, पैटर्न कंप्लीशन, कंप्लीट करो पैटर्न को, ठीक है, सीरीज को कंप्लीट करो पूरा। ओके नाउ ये क्या है, ये स्टार है इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है, आप ऐसे नंबरिंग कर लो, ठीक है, नंबरिंग कर लो आप, सेम टू सेम सभी में नंबरिंग करो, ये वन वाला टू पे जा रहा है, थ्री वाला इसे आ रहा है, ठीक है, वन वाला टू पे जा रहा है, टू वाला थ्री पे, थ्री वाला फोर पे, फोर वाला ऐसे, ठीक है, वन टू थ्री फोर इस डायरेक्शन में आप करोगे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, सेम ये यहाँ पे, तो भैया इस डायरेक्शन में आप देखोगे नीचे सबसे पहले ट्रायंगल आएगा, किसमें किसमें ट्रायंगल है, किसी में नहीं है, सिर्फ बी वाले में है, इसलिए बी वन इज द राइट आंसर। ओके अब चलते हैं 14 के पास, 14 में आ जाओ, इसमें क्या है, सिर्फ सर्कल, सेमी सर्कल दोनों तरफ, इसमें एक इसमें दो है, भाई अब नीचे भी ड्राइंग होगी कि नहीं होगी, होगी, किसमें सिर्फ एक है, कौन सा आएगा, 14 का ए वन इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखोगे एक बार ड्राइंग है, इसमें देखोगे दो बार है, तो भाई इसमें भी एक बार ही होगा ना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन, 15 में आ जाओ, ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, देखो ये प्लस यहाँ इस साइड में था, नीचे आ गया, ठीक है, ऐसे, तो ये प्लस अगर अब ये इस साइड में है तो ये ऊपर जा रहा है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो फिर से सेम टू सेम ये पहला वाला फिगर आप ढूंढ लो, जहां आपको मिल जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, इस वजह से क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, इस वजह से देखोगे नीचे आपको एक क्लू मिल रहा है कि नहीं मिला, ये माइनस वाला, नीचे माइनस है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसलिए सी वन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 16 के पास, 16 में देख लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें देखोगे ये एंटी क्लॉकवाइज है डियर, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस, ठीक है, ये माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, माइनस प्लस सेम टू सेम, तो आप देखोगे ये जो माइनस है ये इधर शिफ्ट होगा, इधर प्लस होगा, ठीक है, और प्लस के बाद डिवाइड आ रहा है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किससे मैच हो रहा है, चेक कर लो खुद, किससे मैच हो रहा है डियर, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस, 16 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 के पास, 17 में आ जाओ, 17-20 एक जैसे होंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि दो बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स एक जैसे हैं। इसमें देखोगे बाहर सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रेंगल है, तो मतलब क्या है कि इसमें देखोगे जो सबसे अंदर है वो बाहर आ रहा है और जो बाहर है वो सबसे अंदर जा रहा है, और मीडियम वाला मिडिल में ही है, तो जो बाहर है भाई वो सबसे अंदर चला जाएगा, ठीक है, और जो मीडियम में है मिडिल में है वो मिडिल में ही रह जाएगा, ठीक है, और जो सर्कल है सर्कल बाहर हो जाएगा। ये किससे मैच हो रहा है, जल्दी से मैच करो, बाहर सर्कल होना चाहिए, हो गया मीडियम, ठीक है, सी वन इज द करेक्ट आंसर, 17 का सी। अब चलते हैं 18 के पास, 18 को देखोगे ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो इधर भी अपोजिट ही होगा, ठीक है, इधर निकाल दो ऐसे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में भाई, तो ऊपर निकलेगा, बी वन इज द करेक्ट आंसर। ओके चलते हैं हम लोग 19 पे, ये क्लॉकवाइज है भाई, ये ऊपर था नीचे हो गया, तो इसको सेम टू सेम डायरेक्शन में मूव करोगे क्या आ जाएगा, 19 का डी वन इज द करेक्ट आंसर। ओके चलते हैं 20 के पास, 20 में ये छोटा फिगर है वही बड़ा हो गया, छोटा है वो भी बड़ा होगा, बी वन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अब 21-24, इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है कि आपको ये वाला जो फिगर है इसका मिसिंग पार्ट, इसी को पूरा टोटल कंप्लीट फिगर को पूरा कंप्लीट करना है, ऐसा फिगर फाइंड करना है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर को फाइंड करना है जो पूरे फिगर को कंप्लीट करे। एक बार आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो कि एक्चुअल में क्या क्या रहा है, और आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा फिगर है जो इसको टोटली कंप्लीट कर रहा है, भाई आ जाओ सबसे पहले, ऐसा तो कुछ है नहीं सबसे पहले, ठीक है, तो कौन सा फिगर है 21 का जो ये टोटल कंप्लीट कर रहा है, इसको ड्राइंग करोगे, ठीक है, और ऐसे आएगा, ठीक, ये इसको फिगर ड्रॉ कर रहा है, आप इसको देखोगे ये इस डायरेक्शन में है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ए वन इज द करेक्ट आंसर। 22 का देख लो, इसी को पूरा सर्कल को भाई ऐसे ड्रॉ कर लो, सर्कल को पूरा ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये किससे मैच कर रहा है, सेम टू सेम चेक कर लो भाई, बी वन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक कर रहा है, इसमें आ जाओ, इसी पैटर्न को क्या है, पूरा टोटल कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब ये वाला जो फिगर मैंने ड्रॉ किया, ये किसमें किससे मैच हो रहा है, देख लो किसी से मैच हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, अब ऐसे नहीं बनेगा, इसको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लो सीधे सीधे से, ठीक। अब चेक कर लो किससे मैच हो रहा है, 23 का
A1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें आ जाओ, ये कैसा फिगर है, कौन मेंटेन कर रहा है, C1। ठीक है, फटाफट ये सॉल्व हो जाता है। 25 का 25 to 28 देख लो, इसमें ये मिस प्रिंट है। ठीक है, 25 वाला मिस प्रिंट है, ये आपको मिरर फिगर है। सबसे पहले देख लो करना क्या है, मिरर इमेज, आपको मिरर इमेज दिखाना है। तो ऐसा क्या होगा, ये अपोजिट होगा, इसलिए ये होगा नहीं। ठीक है, हम कोई भी फिगर बना ले तो इसका अपोजिट क्या होगा, आप कुछ भी मान लो, इसका अपोजिट क्या है, सबसे पहले ये इस डायरेक्शन में बनेगा, ए ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एंड एफ ऐसे है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, तो जो एफ होगा वो किधर बनेगा, सो B1 इज द करेक्ट आंसर, इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, 26 में आ जाओ, 26 ये सेम टू सेम जस्ट अपोजिट होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर है, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे C1 इज द करेक्ट आंसर। 28 का देखो, 28 जस्ट ये इधर है ना, तो सेम टू सेम जो इधर ड्राइंग होगी ये इधर आएगा और ये इन साइड में है, तो इधर ये इन साइड में, इस साइड में जाएगा, ये C1 इज द करेक्ट आंसर, देख लो। ठीक है, 28 का देख लो, 28 सेम टू सेम भाई, ये यहाँ से खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से एंडिंग होगा और ये सेम टू सेम उसी से मैच करेगा, इसलिए 28 का A1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग 29 to 32 वाले फिक्चर में, इसको आप पढ़ोगे तो क्या कर रहा है, ये पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डियर मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में लास्ट में इसको ओपन करोगे तो इस डायरेक्शन में भी बनेगा, आप खुद बना के इसको नंबरिंग वगैरह जो मैंने सिखा रखा है आप उसको ट्राई करना, नंबरिंग वगैरह 1 2 ठीक है 3 4 ऐसे करके पूरा नंबरिंग वगैरह संभाल के रखना। ठीक है, और उसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे और इसका जो राइट आंसर आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। आई थिंक इसका जो 29 है इसका C1 इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये पहले इस फिगर को ऐसे मेंटेन करोगे, ये इधर हाफ फोल्ड करा है तो इसका मतलब ये दोनों साइड में प्रिंट होगा। ठीक है, इसलिए C1 इज द करेक्ट आंसर। 30 के पास चलते हैं, 30 को इधर फोल्ड करोगे ऐसे। ठीक है, तो जो इसका फिगर बनेगा आप बना के देखोगे 30 का C1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 31 के पास आ चलते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करोगे 1 2 करके ऐसे, इसको पूरा नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। ठीक है, इसको पूरा फोल्डिंग करके मतलब क्या है, 2 and 3 को रोक लो, 4 को ऊपर, 4 को ले जाके 1 के पास मिला दो। ठीक है, उसके बाद में फिर ये जो 2 वाला बचेगा उसको इधर 3 से लाके मिला दो। ठीक है, फिर उसमें एक ड्राइंग करोगे तो इसको ओपन करोगे, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, सेम टू सेम, और जब इधर बन रहा है फिर ओपन करोगे तो इस डायरेक्शन में बनेगा और इस डायरेक्शन में बनेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा डियर, 31 का राइट आंसर होगा C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब हम लोग चलते हैं 32 के पास, इसको पूरा कट करोगे। ठीक है, अब इसको ओपन करोगे तो आपका क्या, कौन सा फिगर बनेगा, नीचे तो कट होगा ऊपर भी कट होगा और इसी का डायरेक्शन में। ठीक है, तो 32 का A1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग 33 to 36। 33 to 36 में करना क्या है भाई, ये ज्योमेट्रिकल फिगर को, ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसी को पूरा अरेंज करना है। ठीक है, ये फिगर जो है ये कटआउट वाले फिगर है और इन पीसेस को मिला के एक परफेक्ट पीस बनाना है। तो एक इस डायरेक्शन में आ जाओ, कौन सा ऐसा फिगर है जो आपको पूरा मेंटेन कर रहा है, सी 33 का सी हो जाएगा, कर लो। 34 का देख लो भाई, एक रेक्टेंगल दो स्क्वायर, दोनों देखोगे ये दोनों सेम लग रहे हैं, पर क्या है, अब इसमें डायरेक्शन में आ जाओ तो ऊपर रेक्टेंगल है तो ऊपर रेक्टेंगल होगा, इसलिए 34 का B1 इज द करेक्ट आंसर। 35 के आस चलते हैं, इसको पूरा मिला लो सीधे सीधे, पूरा कह रहा है पूरे को मिला लो, इसी को डायरेक्ट करोगे तो आपका 35 का B1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड 36 का देख लो डियर, 36 को ही मिलाओगे तो इसी वाले पार्ट को इधर लाके मिला दो तो क्या, कौन सा फिगर बनेगा। सी वाले में देखो ये इतने का गैप दे रहा है, ठीक है, इसलिए C1 इज द करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 36 का A1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब मूवमेंट करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं 37 to 40 क्वेश्चन, ये लास्ट है हम लोग का मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी इसमें क्या करना है, इंबेडेड फिगर मतलब क्या होता है, जो हिडन फिगर है उसी को फाइंड करना होता है। इसमें बताओ डियर, एफ है कहीं, फाइंड हो रहा है, ये वाला पोर्शन देख लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी और किसी में हो रहा है, चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 37 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये हाफ ही है और ये पूरा जा रहा है। ठीक है, पूरा जा रहा है, बीच में कहीं कट है ही नहीं, इसलिए बी नहीं होगा। C1 देखो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C1 इज द करेक्ट आंसर। चलो
अब चलते हम लोग 38 के पास, इस वाले डायरेक्शन को देखना है, इसमें हो सकता है 38 में नहीं होगा, ठीक है 38 के ए में नहीं होगा, बी में देखो होगा, हाँ कह सकते हैं ऐसे डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको इस यहाँ से छोड़ के यहाँ से ले सकते हो, ठीक है कहीं भी होगा, इसमें नहीं होगा और ना इसमें होगा, इसलिए बी वन इज द करेक्ट आंसर। 39 देखो, 39 में ये फिगर आपको फाइंड करना है, कहाँ पे मिल रहा है, कहीं नजर आ रहा है 39 बी ये वाला, हाँ नजर आ रहा है आपको, ओके गुड बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो डियर, इंबेडेड फिगर का दो चार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे से आपको इसमें ट्रिकी रहेंगे पर आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। अब आ जाओ जेड 40 के पास आ जाते हैं, 40 का आप देखोगे ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें जेड नजर आ रहा है, इसमें देखोगे टोटल जेड नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा है, सेप उसका देख लो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है डी वन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अब हम लोग, मेंटेबिलिटी हम लोग का खत्म हो चुका है, हम लोग चलते हैं अर्थमेटिक टेस्ट में। मैथ्स के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे डियर, इसे को पूरा सॉल्व कर लो तो यह जाएगा आपका 31/2, ठीक है अपॉन 2 माइनस 12/5, इसको देखोगे सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 4 प्लस 3 7/ ये इसको रेसिप्रोकल करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपका हो जाएगा 49, ठीक है इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हो आराम से इजीली से, ये हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन आपका, और जो इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है लास्ट का मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 31 - 22 / 2, ठीक है इसको कर लोगे आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 9/2, ठीक है 9/2 किसमें 3 वाले में 9/2 इज द करेक्ट आंसर, ये सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अब 42 के पास, द नंबर ऑफ व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इन द क्वेश्चन। तो आप देखोगे सबसे पहले ऐसा तो कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक कि जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड करे ऑप्शन में से, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, ठीक है सबसे पहले 3 and 5 का एलसीएम ले लो, 3 and 5 का एलसीएम कितना होगा डियर, 3 and 5 का एलसीएम कितना होगा 15, ठीक है 15 होगा, और 15 को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 100 क्रॉस ना हो, ठीक है 100 या 100 से कम, तो 15 6 जा, तो अब आप बताओ, आप खुद बता दोगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा डियर, इसका राइट आंसर 6 वाला, ये डी 6 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ अब करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 0 इज एन ऑड नंबर, 0 इज एन ऑड नंबर, नहीं 0 ऑड नंबर है ही नहीं, ऑड नंबर की मिनिमम जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है ऑड नंबर की वो क्या है 2 है, 0 इज इवन नंबर, नहीं इवन नंबर भी 2 ही है, 0 इज प्राइम नंबर, नो 0 इज नेदर ऑड और नॉन प्राइम, सो D1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग 42 के पास, इफ अ मैन रीच ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर ही रीच द डेस्टिनेशन 10 मिनट्स, ठीक है अब आप खुद सोचो कि अगर कोई आदमी है 30 के स्पीड से चल रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसको टाइम पे पहुंचना चाहिए, जो उसका टाइम है उस टाइम में 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है तो टी अगर मान लेते हम लोग टाइम है तो +10, ठीक है ये पहले वाले की बात कर रहा है, ठीक है 30 किलोमीटर की स्पीड से। दूसरा कह रहा है कि इफ ही ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन बिफोर 10 मिनट्स, ठीक है इसका मतलब क्या है कि डियर 10 टाइम पे पहुंचना था पर 10 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को फॉर्मूले पे रख दो भाई, कि ये जो फॉर्मूला है वो कितना है, ये 10 मिनट्स की बात कर रहा है और ये 10 मिनट्स, ये मिनट में कैलकुलेट होता ही नहीं है क्योंकि स्पीड जब भी आप बात करोगे किलोमीटर हमेशा आवर पे बात करता है, तो पहले इसको आवर पे चेंज कर लो तो क्या होगा टी प्लस 10/60, ठीक है इक्वल टू, क्योंकि दोनों को सेम डेस्टिनेशन है, इक्वल टू टी माइनस 10/60, ठीक है ऐसा आएगा, दोनों का सेम है चाहे जिस 10/60, ठीक है अब चाहे जो भी है, मान लो आप इस वाले को उठाना चाहते हो चाहे इस वाले को उठाना चाहते हो, एक भी ले लो कोई भी ले लो, ठीक है अगर प्लस वाले को लोगे तो प्लस वाला आपको देखना पड़ेगा, माइनस वाला लोगे तो माइनस वाला, तो प्लस वाला लेते हैं तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा टी इक्वल टू टी प्लस 1/6, ठीक है अब फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है कि एस इक्वल टू डी अपॉन टाइम, ठीक है एस इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है दूरी कितना है दोनों में सेम है, ठीक है और टाइम कितना है डियर, टाइम ये हो गया और स्पीड कितनी है 30, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला 30
30 into t plus 1/6, दोनों की डिस्टेंस बराबर है तो इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई टी माइनस 1/6। अब इसको सॉल्व कर लो डियर, आपका जो सॉल्व करोगे इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जब सॉल्व करोगे तो टी इज इक्वल टू 1 आएगा, टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब टी इज इक्वल टू, इसको जब पूरा सॉल्व करोगे आप तो टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आप देखोगे टी का मतलब 1 है तो खुद इसको एड करोगे, फॉर्मूले को रखोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 1 आवर है तो खुद एक किसी एक को उठा लो, चाहे माइनस वाले को उठा लो चाहे प्लस वाले को, इन दोनों में से किसी एक को उठा लो तो 30 into 1, ठीक है 30 into t के मतलब 1 प्लस 1/6। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7/6, और 6 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, 6 से 5 कट जाएगा और इन दोनों का जो कैलकुलेटर, सबसे पहले कैलकुलेट करोगे तो आपका जाएगा 7। ठीक है, और इन दोनों को ये 5 से कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35 किलोमीटर पर आवर। इसका जो राइट आंसर आएगा 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 35 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर ही लीव द रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर ए गुड्स ट्रेन, ठीक है, एंड ओवरटेक इन 4 आवर्स। सिंपल सा क्या करें कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो स्पीड कितनी है, उसकी जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है डियर, एस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। ठीक है, कितने टाइम में ये, कितने टाइम में पहुंचती है, 4 आवर में। ठीक है, 4 आवर में जो इसकी टाइमिंग है पैसेंजर ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन की जो टाइमिंग है वो कितना है, 80 किलोमीटर की स्पीड है। ठीक है, 80 किलोमीटर की स्पीड है और उसके बाद में जो इसका टाइमिंग है, जो टेकन टाइम है वो कितना है डियर, 4 आवर। दूसरा क्या है, दोनों सेम डिस्टेंस पे जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो गुड्स ट्रेन है, जो गुड्स वाली ट्रेन है, इस वाली ट्रेन की बात करें, इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग कितना है, वो 6 आवर लेट चलती है उसके, तो टोटल टाइमिंग कितना हो गया डियर, 10 आवर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब डिस्टेंस बराबर है तो आप खुद देखोगे ये 80 × 4 इक्वल टू 10 × इसकी स्पीड के लिए s। ठीक है, इसकी स्पीड 80 थी, इसी की स्पीड निकालनी है मुझे क्योंकि स्पीड ही तो फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये 10 है, 10 से 10 ये कट जाएगा, 8 × 4 = 32 इज द राइट आंसर, 32 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड निकल के आ गई। ओके, 32। ओके, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज करो और या बैक कर लो थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सम विल अमाउंट टू 6600 इन 4 ईयर एट 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ओके डियर, इसमें फॉर्मूला ये लिखता है कि जो फॉर्मूला है वो क्या है कि सबसे पहले ए का फॉर्मूला क्या है कि ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, और इसमें क्या है कि व्हाट सम बिल अमाउंट, अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, ए 6600, पी कितना है आपको पता ही नहीं है, और एस आई है, एस आई का फॉर्मूला क्या है, एस आई का फॉर्मूला क्या है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ओके, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। अब अमाउंट है पी है, ठीक है, एस आई, सिंपल सा, अगर पी मुझे पता ही नहीं है और अमाउंट पता है तो रख दो भाई, अमाउंट इज इक्वल टू 6600, ठीक है, इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल हो गया, और एस आई का मतलब है ही, तो पी इंटू आर इंटू टी है, पी प्लस है, पहला वाला पी प्लस होता है एस आई में, पी प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी, सॉल्व कर लो, पी कितना है पता ही नहीं, आर कितना है भाई 8%, टाइम कितना है 4 ईयर, तो रख दो, और ये इधर देखोगे ये पहले अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे पहले ये वाला इक्वेशन, तो इक्वेशन कितना सॉल्व करोगे तो पी ए इधर पी अपॉन कुछ है ही नहीं, 1 है, इन दोनों को कॉमन ले लोगे तो आपका आ जाएगा 100 पी, प्लस पी है ही आपके पास ये 100 पी, फिर पी इंटू इंटू आर कितना है 8, इंटू टी कितना है 4, होल डिवाइडेड बाई 100 आ गया। ठीक है, अब देखोगे आप
ये 100 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पूरा जब कन्वर्ट करोगे प्रॉपर कितना क्वेश्चन आएगा, या फिर इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, तो इसको पूरा सॉल्व करो, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, ठीक है, 32p, ठीक, 32p और प्लस 100p इज इक्वल टू 132p अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू 6600, ठीक है। ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और पी की जो वैल्यू आएगी डियर वो कितनी आएगी, इसको पूरा कट करोगे, 6600 इंटू 100, ठीक है, अपॉन 132, 66 टू जा, ठीक है, और 250 जा, ठीक, 5 आ गया, और ये 100 है, 5 को 100 से इधर, ठीक है, और ये 1 जा है, तो ये 1000 है भाई, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, P इंटू 5000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 47, आप देखोगे 5045 ग्राम इज इक्वल टू केजी में चेंज करना है, तो ग्राम किलोग्राम से ग्राम में जाना होता है, मतलब केजी से ग्राम में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, और ग्राम से केजी में जाओगे तो डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करना होता है डियर, सिंपल सा सीधा सीधा बताओ किससे डिवाइड करना होता है, 1000 से, ठीक है। अब अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो आप खुद सोचो कितना आ जाएगा, 5045 अपॉन 1000, कितने जीरो, 3 जीरो है, कमा लगा दो, सीधे पॉइंट लगा दो, 5.0045 ग्राम्स केजी, ये टोटल अगर जब पॉइंट लगाओगे तो केजी में आ गया, जो पॉइंट के बाहर है ये आपका केजी, और ये आ गया ग्राम में, तो 5 kg 45 ग्राम B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 48 में चलते हैं कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ हॉल 12 मीटर एंड 10 मीटर। सिंपल सा, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करोगे, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कितने मुझे, मान लो ये रेक्टेंगुलर टाइल्स, मान लो इसको स्लैब्स है ना, इसको टाइल्स समझ लो, और कह रहा है कि एक मेरा हॉल है जो 12 मीटर चौड़ा लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है, एक मेरा हॉल है वो 12 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, उसमें कितने मतलब कितने टाइल्स लगेंगे, जो कि टाइल्स की जो साइज है वो है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदलो, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है डियर, तो 12 मीटर है तो 12 × 100, ओके, और दूसरा क्या है, 10 × 100, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गए, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 10 एंड 8। अब देखोगे डियर, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, अब 12 को अगर देखोगे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा एंड 4 2 जा, ओके, और 2 से ये जो है ना 5 आ गया, अब 3 5 जा 15, 15 में कितने जीरो, 3 जीरो लगा दो, 15 में 3 जीरो 15 15000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 49, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, फेस वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू, तो 5 सम, ठीक है, तो इस वाले प्लेस वैल्यू के डिजिट कितने हैं भाई, इस वाले को देखोगे प्लेस में तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1s 10s 100000 10000 lakhs, 5 lakhs, और ये क्या है 50, 5 lakhs 50 इज द राइट आंसर, D1 इज द करेक्ट आंसर। 49 का क्या हो गया डियर, D1 इज द करेक्ट आंसर, 5 lakhs + 50 करोगे तो आपका आ जाएगा 5 lakh 50, ओके। नाउ 50 पे चलते हैं हम लोग, 2 solid cubes ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट इन टू इन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपको पता है कि जो क्यूब का वैल्यूम होता है, किसी का भी वैल्यूम निकालना हो तो उसमें क्या होता है डियर, एल इंटू बी इंटू एच, चाहे क्यूब का हो साइड सेम हो चाहे ना हो, अब इसमें कह रहा है कि सारी साइड सेम है, तो मतलब 10 × 10 × 10, भाई इसको कर लो जल्दी से,
ठीक है, 10 × 10 × 10 करोगे कितना जाएगा, 1000 cm³। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1000 cm³। C1 इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ अब चलते हम लोग, लेकिन एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड, ये क्या कह रहा है कि टू सॉलिड क्यूब है, एक का टू सॉलिड क्यूब है, तो एक का 1000 आ गया है डियर, एक का 1000 आ गया है, तो टू का कितना होगा, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2000। ओके तो 2000 इज द करेक्ट आंसर, B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके टू की बात कर रहा है ना, तो 1000 एक का आ गया तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का आ जाएगा। ठीक है अब 150% क्या होगा, 150% 150 अपॉन परसेंट का मतलब सीधे अपॉन, दो जीरो दो डिजिट पे डेसिमल लगा दो यहाँ पे, ठीक है तो 1.5 किसमें है, A1 इज द करेक्ट आंसर। नो अब चलते हैं 52। ए फ्रूट सेलर बाई टू लेमन, बाई लेमन एट टू फॉर ए रुपीज, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, और ये जो 50 वाला क्वेश्चन था ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर बार क्वेश्चन में आएगा, और इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन कर लिए वैल्यूम वाला तो आपका जाएगा, वैल्यूम का जो भी होता है वो होता है वैल्यूम निकालने का तरीका है L × B × H। ओके नाउ अब चलते हैं कि एक फ्रूट सेलर है, ठीक है फ्रूट सेलर है, वो बाई करता है दो लेमन, ठीक है दो लेमन एक रुपए का, दो लेमन एक रुपए का बाई करता है, तो इसका मतलब कि एक लेमन, वन लेमन का प्राइस कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है 1/2, ठीक है एंड देन 5 for 3 rupees, मतलब 5 लेमन बेचता है 3 रुपए का, तो इसका मतलब ये आपका सीपी है, ठीक है डियर, ये खरीदता है और जो बेचता कितना है, एसपी कितना बेचता है, 5 for 3 rupees, मतलब 3 रुपए में 5 बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप देखोगे कि दो खरीद रहा था 1 रुपए में और 3 रुपए में बेच रहा है 5, तो 3/5, ठीक है। अब इन अगर देखो एसपी माइनस सीपी करते हैं तभी तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, तो चलो निकाल लेते हैं इन दोनों को बैलेंस करो भाई, ये 10 अगर इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि दोनों का जब डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तभी तो होगा, तो ये 5/10 आ जाएगा, ठीक है ये 5/10 और ये कितना हो जाएगा 6/10, ठीक है जब इन दोनों का बैलेंस करेंगे तो 6/10 आएगा। एसपी ज्यादा है कि सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है तो मतलब प्रॉफिट इसमें से माइनस करोगे तो 1/10, ठीक है। अब इसका परसेंट कितना होगा डियर, इसका परसेंट कितना होगा, पहले सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है, ये तो आपका प्रॉफिट आ गया 1/10, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है कि P/CP × 100, ठीक है तो P/CP × 100, P कितना है आपका 1/10 और CP कितना डियर डिवाइडेड बाई, CP कितना था 5/10, ठीक है। अब इसको जब अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करो × 100, ठीक है अब इसको जब अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करोगे तो ये कितना आएगा चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना कि 1/10 × 10/5 × 100, बस अब इसको 10 से ये 10 कट गया और ये 5 से 100 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20% इज द करेक्ट आंसर। ओके इसको सॉल्व कर लो आप आराम से। चलते हैं 53 के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, सिंपल सा तो है भाई, इन चारों का एलसीएम ले लो 3, 4, 5, 6, ठीक है तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, ठीक है और 6 भी उसी में आ जाएगा 12, 5 जा 60, ठीक है इन सबका एलसीएम लोगे जो भी आ जाएगा 60 इज द करेक्ट आंसर। 53 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60, ठीक। अब इसको देखोगे देर आर 500x इन अ बॉक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ठीक है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देर आर 500x इन अ बॉक्स 3/25 गॉट ब्रोकन, ठीक है तो सबसे पहले क्या करो 500, ठीक है माइनस 3/25 टूट गया, ठीक है तो इसको माइनस कर लो, ठीक है इन दोनों का एलसीएम ले लो या फिर इसका इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, ठीक है तो सबसे पहले इसको अगर माइनस करने से बढ़िया है आप क्या करो कि इसको 500 का 3/25 होगा क्या, सबसे पहले वो माइनस कर लो, ठीक है तो 500 का 3/25 क्या होगा सीधे ये 20, ठीक है
और 23 का 60 अंडे इसके टूट गए हैं, 60 अंडे इसके टूट चुके हैं, तो 500 में से 60 अंडे टूट चुके हैं तो बचा कितना डियर 440, ठीक है बचा कितना 440। अब क्या कर रहा है कि 440 का 4/5 रिमेनिंग एक्स वेयर सोल्ड, ठीक है जो बचा है इसका 4/5 भाग इसको हम लोग बेच दिए, तो इसका 4/5 क्या करेंगे हम लोग बेच देंगे, ठीक है तो आजा भाई कर लेते हैं 8, ठीक है 88 आ गया, और ये 4 पार्ट है, 5th पार्ट है ही नहीं, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है सबसे पहले ये कह रहा है कि 4/5 इसको सोल्ड कर लिए हैं, ठीक है जो रिमेनिंग बचा तो वो कितना बचा, तो 4/5 ये सोल्ड कर रही है तो बचा कितना, इसका बचा कितना 1/5, ठीक है तो यहाँ पे जो 440 है 440 को अगर हम लोग 140 से डायरेक्ट ऐसे 140 से डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है तो आपका कितना आ जाएगा 88, ये आपका तुरंत डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है और अब इस तरीके से जो मैंने बताया इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3 4 8 जा 32, कैरी है 3 4 8 जा 32 प्लस 35 352, अब 440 में से 352 को माइनस करोगे 88 इज द राइट आंसर, ऐसे भी आएगा और डायरेक्ट यहां से भी इसको ही फ्रैक्शन को ही माइनस करके हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर नाउ अब चलते हैं 55 पे, 5 मिनट पास्ट 3 इन आफ्टरनून इज रिटन एज, इसका मतलब क्या होगा कि 3:05 इज द करेक्ट आंसर, 5 मिनट पास्ट 3 मतलब 3:05 ही हुआ तो 3:05 इज द करेक्ट आंसर, ये 3:50 लिखा हुआ है इसको मत करना 3 o'clock, ठीक है 3:05 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 56 देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द, ये क्वेश्चन जो आता है ना ये आपको इस डायरेक्शन में इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन आप कोई भी सिंपल पेपर उठा के देख लो उसमें ये जो क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर में ये एक नया क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है तो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर फॉर्म बाई इसको, तो सबसे पहले इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 97630, अब इसका 5-डिजिट का स्मॉलेस्ट, तो हमेशा जीरो से तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि जीरो से स्टार्ट करेंगे तो 40-डिजिट रह जाएगा, तो जीरो के बाद जो नेक्स्ट जो बड़ा होता है उसी नंबर को हम लोग आगे लिखते हैं, तो 3 फिर उसके बाद 0 फिर 6 फिर 7 फिर 9, ठीक है अब इसको माइनस कर लेते हैं तो 0-9 1 आ जाएगा, ठीक है क्योंकि इससे कैरी लेगा 10 10-9 1 इधर 2 ये इसके कैरी लेगा 5 आ जाएगा, ठीक है 12-7 5 ये आ जाएगा 5, ये इसको कैरी देगा ये हो जाएगा 15 15 9, ठीक है ये बचा 6 6-0 6 and 9-3 6 6 9 6 6 9 5 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ ये क्वेश्चन देखोगे आप ये 57 वाला, ठीक है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500 एंड हेंस अ लॉस इज इनकर्ड, हेड आर्टिकल बीन सोल्ड 700 द शॉपकीपर वुड गेन, ठीक है 3 times एट द फॉर्मल लॉस, ठीक इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि इसमें क्या करना है कि आप ये देखो कि जब वो 500 में बेचता है मतलब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है डियर, जब इसकी एसपी जो है ना डियर कितनी है 500 है, ठीक है 500 है तो इसको लॉस होता है, ठीक है दूसरा क्या कह रहा है कि जब इसकी एसपी 700 है तो इसको प्रॉफिट होता है, ठीक कितना होता है कि 3%, अगर लॉस जो एल है वो अगर एक्स है ना तो एक्स है तो जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है 3x, ठीक अब आप क्या करोगे आप ऐसे भी कर सकते हो ना कि अगर डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या करोगे फॉर्मूला लगाओ कि जब लॉस होता है तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है डियर, लॉस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि लॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है अपॉन लॉस परसेंट अपॉन सीपी, ठीक है लॉस परसेंट अपॉन आप करके देखोगे ठीक है ये आ जाएगा 100, ठीक अब सीपी दोनों में सेम टू सेम वही है, ठीक है अब अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे डियर तो कितना आएगा खुद देखो इमेजिन करो ये सीपी है और इन दोनों में मान इसको ठीक है मान लेते हैं अगर इसको आप लोग x मान लो ठीक है तो
कितना आ जाएगा 100 सीपी माइनस सीपी, ठीक है 100 सीपी माइनस सीपी और ये 5000, ठीक 5 दोनों में सीपी कॉमन है तो उसको छोड़ दो, आप सीधे सीधे ऐसे बोलो एल, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है जो दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 700, ठीक है उसमें कितना है अपॉन 7, इसमें कितना 3 गुना होता है, तो 3 गुना मतलब L अगर इसमें 1 है तो इसमें कितने हो जाएंगे 3L, ठीक है। अब आप देखोगे डियर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, और सेम टू सेम, तो आप देखोगे इधर जब आएगा तो कितना हो जाएगा 500 के बाद 00, ठीक है 50,000 माइनस प्लस है, सॉरी प्लस है 500 इनटू करोगे आप तो यह जाएगा 1500 L, ठीक है इक्वल टू ये 700 है, इसको इधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 70,000, ठीक है माइनस 700, ठीक है। अब जब क्या करोगे 700 L, अब क्या करोगे ये इस दोनों में छोटा कौन सा है, ये छोटा है तो इधर इसको ले आओ और ये इधर छोटा है तो इसको उधर लेके जाओ, तो ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो आप देखोगे 1500 L प्लस 700 L इक्वल टू 70,000 माइनस 50,000, ओके अब ये आ जाएगा 22,000 2200 L, ठीक है 1500 प्लस 700 L करेंगे तो आ जाएगा 22, ठीक। और ये जो आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है इसको जब सॉल्व करोगे पूरा, ठीक तो L इक्वल टू कितना आ गया डियर 20,000 माइनस सॉरी अपॉन 2,200, ठीक है दो जीरो से दो जीरो कट गए, ठीक है अब 200 को 20 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 9.09, ये आपका L आ गया, ठीक। अब क्या करना है यहां तक कर लो, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करो यहां तक सॉल्व कर लो, ठीक है नेक्स्ट बताते हैं हम आपको क्या करना है, सिंपल सा किसी एक को उठाओ तो SP इज इक्वल टू क्या होता है डियर CP मल्टीप्लाई, ठीक है किसी एक को उठा लो, लॉस वाले को उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है क्योंकि लॉस ही हुआ था तो 100 माइनस लॉस, ठीक है अपॉन 100 यही था ना, अब ये पूरा इधर 1 है, ठीक है ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा इधर ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एसपी कितना था डियर यहाँ पे 500, ठीक है और ये कितना था इधर ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, ओके 100 और सीपी आपको निकालना ही है, ठीक है और एल कितना था डियर यहाँ पे 0.9.09 है, 100 में से 9.09 को माइनस करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 90.91, ठीक है तो अपॉन 90.91 ये आपका सीपी आ गया। अब इसी को निकाल लो पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है पूरा सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है देखो दो जीरो है ऊपर, ठीक है इसको हटाओगे ऊपर दो जीरो बढ़ जाएंगे तुरंत फिर से, और जो आपको सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आएगा 550 इज द करेक्ट आंसर, 550 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 58 पे चलते हैं, व्हेन माइनस वन इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स द प्रोडक्ट, ओके डियर इसका मतलब क्या है कि जो माइनस वन है, जो माइनस वन है, ठीक है जो माइनस वन है इसको मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स खुद से, कितने टाइम माइनस वन को कितने टाइम 100 टाइम, ठीक है इसका मतलब पावर 100 लगा सकते हैं और जिसका पावर नहीं लगा तो उसको हम लोग वन मानते हैं, ठीक है। अब इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस वन, आपको जो किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि ए का पावर एम इंटू ए का पावर जब एन होता है तो ये दोनों आपस में जुड़ के ये बना देते हैं ए का पावर एम प्लस एन, ठीक है तो इसका भी जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 101, ठीक है और ये एक प्राइम नंबर, ये एक ऑड नंबर है, ठीक है ऑड नंबर को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा, इसका मतलब माइनस को जितनी बार भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस ही आएगा, ठीक है इसलिए माइनस वन इज द करेक्ट आंसर, बी वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है
तो 2.75 माइनस सी ए, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को इकट्ठा कर लो और इन दोनों को इकट्ठा कर लो, तो जब जोड़ोगे तो आपका राइट आंसर आएगा 2.45, ठीक है। 2.45 है, यही आ रहा है। अब क्या करना है भाई, इसको क्या है, अपॉन वन है, इसमें दो टू डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल को हटाओ और नीचे दो जीरो बढ़ाओ, ठीक है। अब क्या करना है, ये फाइव से ये भी डिवाइड होगा, फाइव से ये भी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो फाइव से करोगे तो फाइव फोर जा 20 एंड 5 9 जा 25 और 5 20 जा, ठीक है। तो 49/20, तो 2 होल 9/20 इज द, 2 होल 9/20 इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ 60 वाला देख लो आप, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 2 इज इट्स ब्रेथ, ठीक है। मतलब अगर ब्रेथ एक्स है, ठीक है, ब्रेथ अगर एक्स है तो उसका लेंथ कितना है, 2x है, ठीक है, 2x है, ऐसा समझ लो। ये आपका बी है और ये आपका एल है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि द स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर है, ऑक्यूपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लांट प्लॉट, ठीक है। तो एरिया, सबसे पहले किसी का एरिया निकालना होगा तो क्या करोगे डियर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का निकालोगे। तो एरिया कितना होता है, किसी एरिया रेक्टेंगुलर का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्विमिंग पूल जो है उसकी जो एक साइड है वो 8 है, ऑक्यूपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा डियर, कि साइड, इस साइड का जो होता है एरिया क्या होता है, जो स्क्वायर होता है ना उसकी जो एरिया होती है वो कितनी होती है, साइड स्क्वायर इक्वल टू रेक्टेंगुलर का जो स्विमिंग पूल है ना उसका पार्ट क्या, 1/8। तो इसका मतलब 1/8, ठीक है, इंटू एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी। एल कितना है डियर, 2x है, ठीक है, 2x है, ठीक है, और बी कितना है आपका, एक्स, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये साइड कितना था 8, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है, इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 8 में नीचे जो 8 इधर है, ये इधर 8 है, ये इधर चला जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप खुद देखो कि इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, ये 64 इंटू 8 इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखोगे डियर ये 2 क्या है, ये भी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप इधर इसको हटाओ, ठीक, और यहाँ नीचे इधर डिवाइड लिख दो, ठीक। अब देखोगे आप नाउ आप क्या करेंगे, ये 4, ये 4 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपको, ओके तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 64 और ये स्क्वायर, ठीक है। तो 8 सिंपल सा आप इसको देखोगे तो 64, ठीक है, 64 64 इंटू 4, ठीक है, इंटू 4 करोगे तो कितना होगा, 4 4 जा 16 करी आया 1 एंड 6 4 जा 24 प्लस 256 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप देखोगे एक्स स्क्वायर तो इसका रूट निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, इसका रूट निकाल दो और इसका रूट निकाल दो, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 16 इज द राइट आंसर। अब क्या पूछ रहा है ये, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये तो एक्स का वैल्यू आया है, एक्स कितना था, ये एक्स ब्रेथ था, लेंथ पूछ रहा है तो 2 टाइम था, तो 16 इंटू 2 इक्वल टू 32, ठीक है, 32 इज द करेक्ट आंसर, B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर, ओके डियर, अगर आपको ना समझ में आया वीडियो तो एक बार थोड़ा सा बैक करो, आराम से वीडियो को पॉज स्लो मोड में चला के आप आराम से देखो, ओके डियर। Join NT classes for online preparation of Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. New batches for class 3 to 5th grade students started. For more details call and WhatsApp us on 7701860147.